गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, नाउ वी आर बैक टू आवर स्टडी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड। टुडे वी आर गोइंग टू डू रिविजन ऑफ क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 5 फॉर PA2 एग्जाम। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी टू मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। सो स्टूडेंट, टू मास कम्युनिकेशन इज newspaper and television are the two means of mass communication. Then question number 2 is what is the full form of ISD? Full form of ISD is international subscriber dialing. Then question number 3, फॉर वॉट पर्पज इज द फैक्स मशीन यूज्ड? बच्चों ये मैंने पहले भी समझा दिया है, फैक्स मशीन क्या यूज में आता है। अ फैक्स मशीन इज यूज फॉर सेंडिंग रिटर्न मैसेजेस, लेटर और इवन फोटोग्राफ्स इंस्टेंटली। फैक्स मशीन से रिटर्न मैसेज भी भेज सकते हैं, लेटर भी भेज सकते हैं और फोटोग्राफ भी भेज सकते हैं। हाउ डू वी सेंड मैसेजेस थ्रू कंप्यूटर? कंप्यूटर से मैसेज कैसे भेजते हैं? तो वी कैन सेंड मैसेजेस बाय इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल्स थ्रू कंप्यूटर यूजिंग द इंटरनेट। विदाउट इंटरनेट वी कैन सेंड द मैसेज, सो बाय यूजिंग इंटरनेट वी कैन सेंड मेल और ईमेल बाय यूजिंग कंप्यूटर विथ नेट। व्हाई कुडंट जॉन अटेंड चंपक्स बर्थडे पार्टी? चंपक्स लेटर वॉज डिलीवर्ड टू जॉन 2 days आफ्टर हर बर्थडे। चंपक को जॉन का लेटर 2 दिन के बाद मिला, उसके बर्थडे के बाद, सो ही कूडंट अटेंड चंपक्स बर्थडे पार्टी। वो चंपक की बर्थडे पार्टी में जा नहीं सका। हु कलेक्ट्स द लेटर फ्रॉम द पोस्ट बॉक्स एंड वेयर डज ही टेक देम? द लेटर्स आर कलेक्टेड from the post box by a postman and taken to the post office. Letter box में से letter postman collect करता है और फिर वो post office में लेके जाता है। How are the letters delivered to the correct address? Correct address पे letter कैसे deliver होता है? At the destination the letters are sorted again according to the address and the pin written on them. At the destination means at the post office, postman collects the letters and he takes to the post office. There letters are sorted according to the pin code number and address. Then the postman delivers the letter to the correct address. Afterwards the postman takes the letters and he delivers to the correct address. How can we get the news about the event that take place around the world? अब पूरे वर्ल्ड में इवेंट जो होता है उसका न्यूज हमको एक साथ कैसे मिलता है? तो by newspaper, magazines, radios and televisions give us news about events that take place in our country and around the world. देखो newspaper सबके घर आता है, magazine सबके घर पे होता है, radio सबके घर पे होता है, television सबके घर पे होता है। तो ये सब चीज़ों से हमको जो पूरे world में जो event होता है उनका पता चल जाता है। What are the artificial satellites and how do they help us? अब artificial satellites क्या है और वो हमको कैसे help करता है? Artificial satellites are human built object. Artificial satellites कौन बनाता है? Human. These are sent into space to revolve around the earth. वो space में भेजा जाता है और वो पूरे अर्थ में रिवॉल्व होता है लाइक द मून एंड सेंड इंफॉर्मेशन बैक टू द अर्थ।
फिर वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके वापस अर्थ में सेंड करता है. दिस सैटेलाइट हेल्प अस टू ट्रांसमिट रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड. यह सैटेलाइट से हम रेडियो प्रोग्राम एंड टेलीविजन प्रोग्राम पूरे वर्ल्ड में ट्रांसमिट कर सकते हैं. हाउ आर रेडियोज एंड टेलीविजन यूजफुल टू अस. अब रेडियो और टेलीविजन हमको कैसे यूजफुल है. रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स एंटरटेन अस एंड एनरिच अवर नॉलेज. वो हमको एंटरटेनमेंट देता है और हमारा नॉलेज भी बढ़ाता है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन लर्न अबाउट न्यू प्लेसेस. रेडियो और टेलीविजन से हमको न्यू प्लेसेस के बारे में सब जानकारी मिलती है, स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी मिलती है, कल्चरल इवेंट्स के बारे में जानकारी मिलती है और डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में हमको जानकारी मिलती है. वो हमको डिस्कवरी से हम एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में डिस्कवरी चैनल से सब कुछ पता चलता है. विच अर्ली मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन वुड यू यूज टू सेंड मैसेज अक्रॉस द लॉन्ग डिस्टेंस. आई वुड लाइक टू यूज स्मोक सिग्नल्स एंड ड्रम बीट बिकॉज स्मोक कैन बी सीन फ्रॉम फार एंड साउंड ऑफ ड्रम बीट ऑल्सो कैन बी हियर्ड फ्रॉम फार. पहले के ज़माने का मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा है और आपको कौन सा अच्छा लगता है. तो स्मोक सिग्नल. स्मोक सिग्नल से क्या होता है कि दूर से स्मोक हम देख सकते हैं और ड्रम बीट का आवाज़ भी दूर से हम सुनाई देता है तो हमको पता चल जाता है कि वहाँ पे कुछ नया इवेंट हुआ है. वाई डिड अर्ली पीपल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट विद द पीपल लिविंग फार अवे. अब अर्ली पीपल जो है वो पहले के ज़माने में उनको डिफ़िकल्ट क्यों होता था जो दूर रहते थे उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए. तो बिकॉज देर वेर नो प्रॉपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. पहले के ज़माने में ट्रांसपोर्ट नहीं था ट्रैवलिंग करने के लिए एंड देर वेर नो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी नहीं था सच एस मोबाइल फ़ोन, ईमेल्स, कंप्यूटर. ये पहले के ज़माने में कुछ नहीं था तो उनको ये सब इंफॉर्मेशन दूर भेजने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था. हाउ कैन वी सेंड मनी टू समवन थ्रू पोस्ट. अब पोस्ट से हम मनी कैसे भेज सकते थे. तो वी कैन सेंड मनी टू समवन बाय ए मनी ऑर्डर थ्रू पोस्ट. मनी भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस में जाके मनी ऑर्डर करना पड़ता था और पैसे भेजते थे. What will happen if we do not write the address on a letter that we need to post? अब जो लेटर हमको पोस्ट करना है उनके ऊपर एड्रेस नहीं लिखेंगे तो क्या होता है. If we do not write address on letter that we need to post, then the postman will not know where to deliver it. पोस्टमैन को पता नहीं चलता एड्रेस के बिना कि ये लेटर किसका है और कहाँ भेजना है एंड हैंस द लेटर विल नॉट रीच इट डेस्टिनेशन. और फिर वो लेटर जहाँ पे भेजना है वहाँ पे पहुँच नहीं सकता है क्योंकि एड्रेस बिना पता नहीं चलता है. हाउ इज सेंडिंग अ मैसेज यूजिंग फैक्स मशीन डिफरेंट फ्रॉम सेंडिंग SMS. अब फैक्स मशीन क्यों डिफरेंट है SMS से. बिकॉज सी फैक्स मशीन कैन नॉट बी कैरीड एवरीवेयर. फैक्स मशीन सब जगह पे लेके जा नहीं सकते हैं एंड वी कैन सेंड लेटर्स एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स. लेटर और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हम फैक्स मशीन से भेज सकते हैं बट हम उसको उठा के सब जगह साथ में लेके नहीं जा सकते. While SMS is sent through mobile phone. SMS कैसे भेजा जाता है by mobile phone and it can be carried everywhere. उसको सब जगह साथ में लेके जा सकते हैं. Only messages can be sent. और messages short SMS से short message
भेज सकते। फैक्स मशीन बड़ा होता है तो वो कैरी नहीं कर सकते, और मोबाइल फ़ोन छोटा होता है तो वो साथ में लेके जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द वर्ड न्यूज़ स्टैंड फॉर। ये जो वर्ड न्यूज़ है वो किसके लिए है। द वर्ड न्यूज़ स्टैंड फॉर एन फॉर नॉर्थ, ई फॉर ईस्ट, डब्ल्यू फॉर वेस्ट एंड एस फॉर साउथ। नेम द थ्री अर्ली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब पहले के अर्ली मीन्स के तीन कम्युनिकेशन के नेम देना है। तो फर्स्ट वन इज स्मोक सिग्नल, धुआं से, देन मैसेंजर हॉर्स राइडर, लॉन्ग मैसेज होता है तो मैसेंजर हॉर्स राइडिंग करके जाता था, एंड पिजन पोस्ट, पिजन को पर्ची लिख के दे देते हैं, पिजन जाके छोड़ के आता था। आर द थ्री अर्ली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ड्रम बीट भी उसमें आता है, बट हियर इट इज आस्क्ड ओनली फॉर थ्री, सो वी हैव रिटन स्मोक सिग्नल, मैसेंजर्स एंड पिजन पोस्ट। व्हाई वाज सेंडिंग मैसेंजर्स थ्रू पिजन पोस्ट नॉट अ सेफ वे ऑफ कम्युनिकेशन। अब पिजन से भेजा हुआ मैसेज वो सेफ नहीं था, क्यों? Because there was always a possibility of the pigeon being shot down by hunters. Hunters घूमते रहते हैं, वो pigeon को shoot कर देते थे. And also bird may drop the letter in a wrong place. और bird को अच्छा पता नहीं चलता है तो वो letter कई भी जगह पे छोड़ के आ जाते हैं. So it was not a safe way to send message by a pigeon. What is a pin? Write the pin of your area. It is a 6-digit number. Pin क्या होता है बच्चों? हमेशा सब letters के नीचे 6 बॉक्स दिए गए होते हैं, वहाँ पे पिन कोड लिखना होता है। ए पिन नंबर है, एरिया वाइज अलग होता है, एरिया में सिटी वाइज, एंड उनके 6 डिजिट होते हैं, which is usually written at the end of the address. Address के end में उसको लिखना होता है, and the number represent the place where letters need to be sent. Pin code से पता चल जाता था कि ये letter कौन सी city में, किस कौन से गांव का है। Pin code हमारा यहाँ पर है 363641 for Morbi 1 and 363642 फॉर मोरबी 2। ये हमारा पिन कोड नंबर यहाँ का है। राइट द डिफरेंट पॉइंट अबाउट अ टेलीफोन, मोबाइल फोन एंड ए कंप्यूटर। टेलीफोन के बारे में एक पॉइंट लिखो, मोबाइल फोन के बारे में लिखो, और कंप्यूटर के बारे में। तो पहले मोबाइल फोन है। वी कैन सेंड रिटन मैसेज फ्रॉम टेलीफोन विच फैक्स मशीन। अब सबसे पहले टेलीफोन है तो टेलीफोन से हम मैसेज फैक्स मशीन से भेज सकते हैं। वी कैन सेंड स्मॉल टेक्स्ट मैसेज बाय मोबाइल फोन। मोबाइल फोन से हम SMS कर सकते हैं शॉर्ट मैसेज का। एंड वी कैन सेंड ईमेल्स यूजिंग कंप्यूटर। कंप्यूटर यूज करके हम मेल कर सकते हैं। Give any 4 information that you receive from television. Television से हमको क्या information मिलता है उसके बारे में लिखना है। We receive information about sports. Sports के बारे में, कहाँ पे भी कोई games खेला जाता है तो उसके बारे में हमको information मिलता है। फिर weather, कहाँ पे ज़्यादा ठंडी है, गर्मी है, बारिश है, उसके बारे में पता चलता है। एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम मीन्स डांस, म्यूजिक, सॉन्ग्स, मूवीज, दिस ऑल जॉक्स, कार्टून्स, दिस ऑल आर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम फ्रॉम विच वी एन्जॉय। एंड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के बारे में भी हमको इंफॉर्मेशन मिलता है। मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज बेटर देन द अर्ली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। अब मॉडर्न मीन्स जो है वो अर्ली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से बेटर है। वाई? यस और नो? तो यस, बिकॉज
modern means of communication is better than early means of communication because we can get messages very easily and faster. हमको मैसेज जल्दी और वेरी फास्ट और इजीली मिल जाता है, इसलिए हमको मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ज़्यादा पसंद है। अब बच्चों ये क्वेश्चन आंसर है 1 to 21, उनका रिवीजन अभी ये वीडियो में किया है, जिसके पास नहीं है वो लिख के PA2 एग्ज़ाम के लिए लर्न करके रखना है। थैंक यू।